क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। एसएसपी ने की सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक, अपराध पर नकेल कसने को लेकर की गई बैठक। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार। वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर लगाए गंभीर आरोप, संवरणालय पहुंचकर डीएम को दिया आवेदन। छात्रों की पिटाई पर जेडीयू को फर्क नहीं, लल्लन सिंह बोले लाठीचार्ज तो होती रहती है, कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर लाठीचार्ज होगा। तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। खबर मोतिहारी से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और मेहसी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 5 लाख की विदेशी शराब बरामद किया है, जिसके बाद शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। बता दें, कारोबारियों ने पुआल व झोपड़ी में 905 लीटर विदेशी शराब छुपा कर रखा था। शराब कारोबारी की पहचान कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और तस्करों की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापेमारी भी की गई। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां लोक चेतना दल के बैनर तले 25 सूत्री मांगों को लेकर बिहार संगठन प्रभारी धनवंती देवी के द्वारा आमरण अनशन किया गया और बताया गया कि जिले में संचालित सभी आधार केंद्रों पर नया आधार कार्ड बनाने में अवैध वसूली की जा रही है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करने में जिला प्रशासन लापरवाही कर रही है। वहीं दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव कुमार झा ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा लापरवाही रवैया के खिलाफ आज से आमरण अनशन प्रारंभ किया गया है और मांगों पर समुचित कार्रवाई होने पर भी आमरण अनशन समाप्त किया जाएगा। सूत्री मांगों को लेकर के आज से लोक चेतना दल का आमरण अनशन प्रारंभ हुआ है, जिसमें श्रीमती धनवंती देवी आज से अनशन पर हैं। इसमें हमारी मांगे हैं, आधार कार्ड में बनाने में लोगों से पैसा वसूलने वाले आधार केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, जिला समाहरणालय परिसर में जो निर्माण कार्य में गड़बड़ी किए गए हैं उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, जो इसके संबंध में पहले से जिला प्रशासन को आवेदन दिया जा चुका है। खबर नवादा से है, जहां सदर प्रखंड के आती गांव के वार्ड सदस्यों ने मुखिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं और समाहरणालय पहुंचकर डीएम को आवेदन दिया। वहीं गार्ड ने बताया कि सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत आती का नवनिर्मित वार्ड सदस्य को भी कभी भी मुखिया के द्वारा किसी भी बैठक में नहीं बुलाया गया और ना ही ग्राम सभा की गई। विगत कुछ दिन पहले वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर कर मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक नहीं करने का ज्ञापन डीएम को सौंपा गया था, जिसे नाराज होकर मुखिया के द्वारा 9 सदस्यों में चिन्हित करके सदस्यों का मनमानी एवं बैठक का बहिष्कार करने का आरोप लगाकर कार्यवाही करने का आवेदन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को दिया, जबकि हम सभी लोगों को 9 वार्ड सदस्यों को बैठक में कभी नहीं बुलाया गया। मुखिया जी जो है वो हम लोग वार्ड सदस्य उप मुखिया इन्हीं को मैंने कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बिना कार्यकारिणी का जो भी मन में काम आ रहा है वो कर रहे हैं।
माने भ्रष्टाचार से लिप्त है, जो भी काम कर रहे हैं कहीं वार्ड सदस्य का कोई भूमिका नहीं, ना उप मुखिया का भूमिका, जो मन में आ रहा कर रहे हैं। कौन सा पंचायत का है? ग्राम सभा किया गया, मैं कार्यकारिणी का। कौन सा पंचायत का है? ग्राम पंचायत आती, प्रखंड नवादा सदर। अभी कहाँ आए आप लोग? हम लोग अभी डीएम साहब के यहाँ आए हैं आवेदन देने के लिए, और इसके पहले भी हम लोग जिला पदाधिकारी को दिए थे आवेदन, उसके बाद भी मान लीजिए मुखिया जी को कहीं कोई। मैं आती पंचायत के अंतर्गत जो है नवनिर्मित वार्ड सदस्य, आज तक हम लोगों के द्वारा जो है ना मुखिया जी के द्वारा किसी को बैठक में बुलाया नहीं जाता है, और जब हम लोग डीएम साहिबा को ज्ञापन सौंपे तो मुखिया जी चीड़ में आकर के फिर बीपीआरओ को जो है आवेदन दिए कि कुछ वार्ड सदस्य जो है चिन्हित करके दिए है, 6-7 वार्ड सदस्य का नाम दे दिया है, और बताते हैं कि ये मनमाना करता है और बहिष्कार करता है, बैठक का खुद नहीं आता है, जबकि उनका स्पष्टीकरण निकाल दिया गया उनके द्वारा कि आप जो है स्पष्ट रूप से हमको ज्ञापन सौंपिए और रजिस्टर दिखाइए कि कार्यकारिणी का बैठक आप किए हैं अन्यथा नहीं किए हैं, अगर किए हैं तो आप स्पष्ट कीजिए हम आकर के पंचायत प्रखंड में। और अभी तक खबर नवादा से है, जहां जाम की समस्या से निजात जाने को लेकर रोटरी क्लब के द्वारा दिए गए ट्रॉली को एसडीओ व डीटीओ ने फीता काटकर उद्घाटन किया, और इस दौरान सदर एसडीओ उमेश कुमार भारती ने बताया कि नवादा में जाम की समस्या बनी रहती है और इस जाम की समस्या से छुटकारा देने के लिए हमने नवादा के लोगों से अपील किया। वहीं उन्होंने बताया कि इस ट्रॉली का उपयोग वन के रोड में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। इस मौके पर रोटरी क्लब के दर्जनों मेंबर, डीटीआर नगर कार्य पालक पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग को पता है कि नवादा में जाम की समस्या बहुत बनी रहती है, इस जाम की समस्या से छुटकारा देने के लिए हम लोग ने नवादा के लोगों से अपील पहले से करते आ रहे हैं, उन अपील कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक रूल है उसका आप पालन करें और अनावश्यक जो है रोड पर आप जाम नहीं करें। इसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने रोटरी क्लब से अनुरोध किया था कि हमको जो है कम से कम 15-20 ट्रॉली उपलब्ध कराएं। इन्होंने काफ़ी मेहनत करके जितने भी यहां पर दुकान है उन लोगों का सहयोग प्राप्त करके, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो। ट्रैफिक जाम और बेतरतीब ट्रैफिक की जो समस्या है उसको नियंत्रित करने के लिए आज रोटरी क्लब के सहयोग से 18 ट्रॉली मिली है, 18 ट्रॉलियाँ मिली हैं। आगे हम लोग इसका ट्रैफिक नियंत्रण करने में उपयोग करेंगे, उम्मीद करते हैं कि इससे शहर का ट्रैफिक और बेहतर बन जाएगा। हम इसके लिए रोटरी क्लब को धन्यवाद देते हैं। खबर पटना से है, जहां ललन सिंह ने लाठीचार्ज पर कहा था ये सब तो होते रहता है, लाठीचार्ज होना कोई बड़ी बात नहीं है और पहली बार लाठीचार्ज नहीं हो रहा है, अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उस पर लाठीचार्ज होगा। अब इसको लेकर राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जोरदार हमला और संवेदनहीन बयान दिया है। बता दें पहले BSP का पेपर लीक हुआ और यह अब सचिवालय सहायक की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहली बार हुआ है, पहली बार हुआ है क्या लाठीचार्ज तो होते हैं, बहुत ही हुआ है। देखिए भाई, ये बहुत ही संवेदनहीन बयान है। बिहार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पहले BPSC का पेपर लीक हुआ और अब ये सचिवालय सहायक की परीक्षा का पेपर लीक हो गया, तो लाखों छात्रों के भविष्य के साथ बिहार सरकार खिलवाड़ कर रही है। और जब प्रदर्शन करने गए तो उनको जिस बुरी तरह से पीटा गया है, तो और आप इस प्रकार का जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ये तो जिस प्रकार से नीतीश जी ने कहा कि जो पिएगा सो मरेगा, उसी प्रकार की संवेदनहीनता का परिचय। बिहार में अपराधियों का बोलबाला और मनोबल बढ़ता जा रहा है, आए दिन मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि पर हमला हो रहा है। बता दें बीते दिन 2 जनवरी शाम करीब 7:30 बजे सुपौल जिला के करजनई थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिराहा पंचायत के वर्तमान मुखिया पति उर्फ टुनटुन यादव पर अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था, जिसके बाद सभी मुखिया संघ के अध्यक्ष ने टुनटुन यादव के घर पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रमुख प्रस्ताव जनप्रतिनिधि की सुरक्षा मुहैया कराने हेतु बैठक की गई और शासन और प्रशासन से मांग किया गया कि बिहार में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी सुरक्षा दी जाए। आप अपना सर थोड़ा परिचय दीजिएगा। इंजीनियर LK निराला, अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा महासंघ। अजी, आज जो बैठक किया गया किस मुद्दे को लेकर के बैठक किया गया? यह जो अभी का मुखिया संघ का बैठक था,
उस पर आम सामाजिक कार्यकर्ता भी और भी जनप्रतिनिधि लोग आए। इसमें जो अहम फैसला ली गई है इस तानाशाही और पुलिसिया जुर्म के खिलाफ, ये घटना पर घटना हो रहा है और पुलिस प्रशासन के लोग अपराधी से कहीं न कहीं उनकी साठगांठ है, जिसको हम लोग खुले शब्दों में नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है। तो हम लोग उसी लोकतांत्रिक जो रवैया, हमारा जो हथियार है, उस हथियार में किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है और क्या आप लोग का मतलब आगे करने का जो है उसमें? जिला मुखिया संघ सुपौल की बैठक आज करजैन थाना के हरिराहा पंचायत के मुखिया जी के आवास पे हो रही है। मेरी अध्यक्षता में बैठक हुई है। मैंने जिला प्रशासन से भी बात किया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से भी बात किया। जिला प्रशासन तो विश्वास दिलाए कि राजेश जी आंदोलन करने की जरूरत नहीं, हम सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। अनुमंडल पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि टुनटुन किसी का नाम नहीं दिया तो मैं गिरफ्तार कैसे करूं? क्या ऐसे प्रशासन चलता है क्या? आप सभी समझ रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च, ये क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी, ये कौन सा हाथी, आप क्या हैं? मुखिया है ग्राम पंचायत हरिराहा का। हरिराहा का वर्तमान मुखिया है। अच्छा, आपके पति पर 2 तारीख को करीब 7:30 बजे शाम में अपराधियों द्वारा गाड़ी से सिमराई से घर वापस लौटने के दरमियान अपराधियों द्वारा हमला किया गया था, जिसमें कई राउंड गोली चलाया गया था और बाल बाल आपके पति बच गए, सुरक्षित है अभी मुख्य रूप से। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम प्रशासन से यही मांग करना चाह रहे हैं कि मेरे पति पर हमला हुआ, पंचायती में जाता है बराबर, हम कितना निगरानी करेंगे। इसलिए खबर बेतिया से है, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बेतिया रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। खबर भागलपुर से है, जहां बढ़ रहे अपराध पर नकेल कसने को लेकर आज समीक्षा भवन में नए एसएसपी आनंद कुमार के नेतृत्व में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अपराध गोष्ठी में नए सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी भी शामिल हुए। बता दें, भागलपुर के नए वरीय पुलिस अधीक्षक की यह पहली बैठक थी, जिसमें सभी थाने के थाना अध्यक्षकों के साथ बैठक की गई और कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से केस के निष्पादन, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना, अपराधियों पर लगाम लगाना, शराब तस्करों पर पैनी नजर रखना जैसी बिंदुओं पर वार्ता की गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर में बढ़े अपराध पर इनके नेतृत्व में किस तरह का नियंत्रण किया जाएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। झूठ नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस। आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश, सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक
के बाद स्वागत है आप सबका। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर भागलपुर से है, जहां केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को उनका अंतिम यात्रा बताया और उन्होंने कहा कि ये यात्रा नीतीश कुमार की अंतिम यात्रा है और ये समाधान नहीं व्यवधान यात्रा है। वो अब संन्यास लेने जा रहे हैं, इसलिए वह अंतिम यात्रा पर निकल रहे हैं। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि यह यात्रा किस बात की कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपराध रोका है, भ्रष्टाचार रोका है या फिर जंगल राज को समाप्त किया है। बता दें नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार का जनाजा निकालने में लगे हुए हैं। ये किस बात का यात्रा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा पर शायद निकल रहे हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। ये समाधान नहीं, ये तो व्यवधान यात्रा है। संन्यास लेने जा रहे हैं वो। ये संन्यास उनके जीवन का, राजनीतिक संन्यास का ये यात्रा अंतिम यात्रा है। और यात्रा फिर किस बात की? क्या बिहार में अपराध रोका है? अपराध रोकने की यात्रा, भ्रष्टाचार रोकने की यात्रा, दुराचार रोकने की यात्रा, जंगल राज को समाप्त करने की यात्रा? यात्रा किस बात की? किसानों के लिए यूरिया खाद जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है बिहार में, उसको बंद करने की यात्रा? किस बात की यात्रा निकाल रहे हैं? खबर नालंदा से है, जहां बिहार शरीफ मुख्यालय के दीपनगर थाना इलाके के NH-20 पर चोरा बगीचा मोड़ के पास अनियंत्रित हाईवे की चपेट में आने से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमारे ही पंचायत डुमरावा के ये निवासी थे संजय कुमार उर्फ जनंजय जी। ये बिजमन पर गए थे किसी निजी काम से, वहाँ से पैदल आ रहे थे कैम्ब्रिज स्कूल के पास। जब ये पहुँचे तो उधर से एक हाईवा 10 चक्का आ रहा था, क्योंकि पीछे से इनको धक्का मारा और ये जख्मी हो गए। कुछ स्थानीय लोगों के वहाँ सहयोग से इनको सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल से इनको पटना PMCH के लिए रेफर किया गया, लेकिन जब ये रास्ता नूरसराय बाजार ही पहुंचे कि इनकी मृत्यु हो गई। नालंदा जिला अंतर्गत सिलाव थाना क्षेत्र के नई बाईपास के पास बदमाशों ने युवक को 3 गोलियां मारी और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि उसने सिलाव के नए बाईपास में अपना घर बनाया है और शाम को वो बाजार से घर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में खड़ी बाइक सवार बदमाशों ने उसे बुलाया, जैसे ही वो मुड़ा बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल लाया गया और पुलिस बदमाशों की पहचान करने में जुट गई है। गोली मार दी साहब की घर में हिल कर। कौन? अब किसको हम देखने नहीं किए थे भाई, अब अभी तो हम पागल हो रहे हैं, हम अस्थिर होंगे तब ये बता देंगे। मतलब को मार दिया? कौन मारा कुछ जानकारी है? देखे नहीं थे कौन मारा ना, अब देखे। किसी से कोई विवाद भी है? कोई विवाद नहीं किया हमें तो। कोई 3 गोली लगा, 3 गोली मार दिया। क्या किसी से कोई पूरा विवाद हुआ? ना विवाद तो कुछ नहीं है किसी से। भाई क्या करते थे? सलाम में रह करके बिचाली उचाली उखलते थे। खबर नालंदा से है, जहां जिला अंतर्गत चिकसौरा एवं पटना जिला के धनरुआ थाना क्षेत्र के बॉर्डर पर एक सप्ताह से अपहरण महिला शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतका की पहचान चिकसौरा थाना क्षेत्र के बरही बिघा गांव निवासी राजू पासवान के 22 वर्षीय पत्नी के रूप में की गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। दुर्घटना हुआ, हमको बीवी को नंदे लाश लेके जाकर मार कर फेंक दिया। कौन मार के फेंका है? गांव का आदमी फेंक दिया। कौन? किसी का नाम भी जानते हैं? नाम जानते हैं, 4 लाइकन का हाथ है। क्यों मारा है? क्यों मारा है? घर में ढोका था, उसके बाद हल्ला हुआ था, फिर उसके बाद मेरे बीवी को फरहार करके उसे कर दिया। 3 दिन से 1 हफ्ता सलपटा के ले लो। खबर नवादा से है, जहां शराबबंदी के बावजूद भी शराब माफिया शराब लाने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्पाद विभाग की टीम और नवादा पुलिस भी लगातार छापेमारी कर धर पकड़ रही है। ताजा मामला नवादा जिले के सिरदला प्रखंड के पन्ना डावर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने एक बोलेरो से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। बता दें वाहन चालक मौके से वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है।
खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां एक सप्ताह से ज्यादा ठंड पड़ने से किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और घने कोहरे से आसमान में बादल छाए हुए पूरी तरह से कार्य अस्त व्यस्त हो गए हैं। बता दें ठंड का असर ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहां पशुओं को चारा के लिए किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि अगले 2-3 दिनों में और भी पारा गिरने की संभावना है। कोई व्यवस्था ये नहीं है, पछुआ हवा बह रही है, ग्रामीण लोग आ रहे हैं जगह जगह चौक चौक राह पर, कोई आगे का साधन नहीं है, नगर परिषद से कोई व्यवस्था चल ही नहीं रहा है। ठंडा महसूस हो रहा है इधर बहुत, नगर पंचायत तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हम लोग अपने से कागज वगैरह पता वता बिटोर कर हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। सब लोग छिटूर रहे हैं, इतना ठंडा है, कहीं कोई हवा का व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं हो रहा है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक,